हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बचपन CSBR सेंट्रल एकेडमी। नाउ वी रीड लेसन नंबर 4, स्पेलिंग मास्टर शालू। एक गर्ल है शालू, ठीक है, ओके। नाउ उसकी एक स्टोरी है जो हम रीड करें। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए गर्ल नेम शालू। यह एक स्टोरी है, एक गर्ल है, उसका नाम क्या है? शालू। शी इज वेरी हॉनेस्ट। वह क्या है? बहुत ही हॉनेस्ट है, ठीक है, ईमानदार है। रीड ऑन टू नो मोर हाउ हॉनेस्टी हेल्प हर इन हर लाइफ। वह और भी जानना चाहती है कि हॉनेस्टी से क्या होता है, दूसरों की मदद करने। शालू इज़ ए वेरी गुड गर्ल। शालू एक बहुत ही अच्छी लड़की है। शी लव्स रीडिंग एंड स्टडिंग। उसे किससे बहुत ज़्यादा लव्स है? किससे? एक तो रीडिंग करने से और स्टडिंग, पढ़ाई करने से। उसको रीडिंग करना और स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़। वह बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में। व्हेनेवर देयर इज ए स्पेलिंग टेस्ट। एक बार क्या होता है, एक स्पेलिंग टेस्ट होता है। जैसे मैम आपका कहती है ना कि ठीक है आज हम एक टेस्ट करते हैं, स्पेलिंग टेस्ट, सेम। शी ऑलमोस्ट ऑलवेज स्कोर्स परफेक्ट। उसके हमेशा क्या होते हैं? स्कोर्स परफेक्ट होते हैं। हर क्लास टीचर्स हैज़ रिसेंटली मेड ए रूल। उसकी जो क्लास टीचर्स होती है ना, एक रूल्स बनाती है। इट से दैट इफ एनी चाइल्ड स्कोर्स बिलो 60%। उसके टीचर ने क्या किया, एक रूल बनाया कि अगर किसी भी बच्चे का स्कोर्स है ना 60% तक से नीचे हुआ, ठीक है, देन ही शी हैज़ टू राइट ऑल द स्पेलिंग 50 टाइम्स इन हर कॉपी। अगर किसी भी बच्चे का, गर्ल या बॉय का, अगर मतलब 60% से लो हुआ ना, नीचे हुआ, तो क्या करवाएगी उसकी मैम? 50 टाइम कॉपी में करवाएगी वापस। आपकी मैम भी करती है ना पनिशमेंट सेम। लास्ट वीक डिम्पी स्कोर 50%। लास्ट वीक क्या था डिम्पी का स्कोर? एक डिम्पी है, उसकी क्लासमेट है, उसका स्कोर क्या था? 50%। सो शी हैड टू राइट ईच स्पेलिंग 50 टाइम इन हर कॉपी। फिर उसने क्या किया था, उसको क्या करना पड़ा था? राइट करना पड़ा था स्पेलिंग को कितने टाइम? 50 टाइम्स, ठीक है, उसकी नोटबुक में। किसको? डिम्पी को। शालू ऑन द अदर हैंड डिड नॉट स्टडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। शालू ने क्या किया था? हैंड डिड नॉट स्टडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। उसने स्टडी नहीं की थी नेक्स्ट टेस्ट के लिए। द टेस्ट बिगेन एंड द क्लास टीचर प्रोनाउंस वर्ड्स। अब टेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, द क्लास टीचर प्रोनाउंस वर्ड। उसके क्लास टीचर ने प्रोनाउंस वर्ड कहना स्टार्ट किया। शालू वाज कॉन्फिडेंट। शालू क्या थी? कॉन्फिडेंट थी। अनटिल द वर्ड्स बिलीव वाज स्पोकन। जैसे ही वो वर्ड स्पीक हुआ बिलीव, आफ्टर हियरिंग द वर्ड शी गॉट कन्फ्यूज। जैसे ही उसने एक वर्ड, मैम ने स्टार्ट किया स्पीक करना, तो जैसे वो बिलीव वर्ड उसने सुना, शी गॉट कन्फ्यूज। वह क्या हो गई? कन्फ्यूज हो गई। हर टीचर स्टार्टेड टू स्पीक द नेक्स्ट फ्यू वर्ड। फिर उसके टीचर ने क्या किया, फिर नेक्स्ट वर्ड कहना स्टार्ट किया। बट शालू वाज स्टील स्टक इन द वर्ड बिलीव। लेकिन शालू क्या हुई, वहीं पर रुक गई बिलीव वर्ड पे। डिम्पी हैज़ ऑलरेडी रिटर्न दिस वर्ड 50 टाइम एज ए पनिशमेंट। डिम्पी ने क्या किया था, पहले ही ये वर्ड था ना 50 टाइम पनिशमेंट के तौर पे उसने ये राइट किया था। सो शी नो हाउ टू राइट इट। तो उसे पता था कि कैसे राइट करना है। शालू थॉट टू कॉपी इट। शालू ने क्या किया, उसकी कॉपी की। किसकी? डिम्पी की। शी क्विकली लुक्ड एट द वर्ड इन डिम्पीज नोटबुक। उसने जल्दी से देखा किसकी नोटबुक में, डिम्पी की नोटबुक में। हर हार्ट वाज बीटिंग वेरी फास्ट। उसका जो हार्ट था ना बहुत तेजी से धड़क रहा था। शी वाज फीलिंग गिल्टी टू बी डिसहोनेस्ट टू हरसेल्फ। लेकिन उसको गिल्टी भी फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऑनेस्टी थी ना, उसको स्टडी करना भी अच्छा लगता था, ठीक है, बट उसको क्या हुआ रहा था इस टाइम, उसने कॉपी की थी तो उसको गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसने डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदारी से वर्क नहीं किया था, अपने आप नहीं किया था ना, तो थोड़ा उसको क्या हुआ, गिल्टी फील हुआ। सो शी रब द करेक्ट स्पेलिंग एंड रॉट द रॉन्ग वन विच शी नो। लेकिन उसने क्या किया, फिर उसने रब कर दिया, इरेज कर दिया द करेक्ट स्पेलिंग को एंड रॉट द रॉन्ग वन विच शी नो। जो वह जानती थी उसने वो लिखा। शी सैड टू हर से। उसने अपने आप से कहा, आई विल नेवर चीट टू रिमेन एट द हाइगेस्ट स्कोर। मैं कभी भी चीटिंग नहीं करूँगी हाइगेस्ट स्कोर लाने के लिए।
शी टोल्ड एवरीथिंग टू द टीचर, उसने अपनी जो सारी बात थी ना टीचर को बता दी. हर टीचर्स सैड, उसकी टीचर ने कहा. शी वॉज प्राउड ऑफ शालू, उसकी टीचर ने किसको कहा, शालू को कहा आई एम प्राउड ऑफ यू. बिकॉज क्योंकि उसने सच कहा, क्योंकि उसने डिम्पी की नोटबुक से जो कॉपी की थी ना उसको रब कर दिया था और जो उसको आता तो उसने राइट किया, मतलब चीटिंग नहीं की. ठीक है, शी वॉज प्राउड ऑफ शालू एज शी डिड नॉट लाई, क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला था. सो माई डियर फ्रेंड्स, वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. एज लेइंग और हाइडिंग थिंग्स इज नॉट गुड, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही हाइड करना चाहिए किसी भी चीज़ को या किसी को भी, यह अच्छा नहीं होता. तो देखो शालू ने क्या किया, अगर उसको नहीं आ रहा था पहले तो उसने क्या सोचा, डिम्पी की नोटबुक से चीटिंग करने का. फिर उसको क्या, वो हॉनेस्ट गर्ल थी बट, ठीक है, तो उसको ये गिल्टी सा फील हुआ कि नहीं मैं चीटिंग नहीं कर सकती. उसने क्या किया, जो उसको आता था उसने राइट किया और मैम को बता दिया. तो उसके मैम ने क्या कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है. अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो आपके मैम डांटे कि थोड़ा ना, ठीक है बेटा बट नेक्स्ट टाइम लर्न होना चाहिए. मैम ऐसे ही कहती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉपी नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ओके, और हॉनेस्टली वर्क करना चाहिए और हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए टाइम पे. ठीक है, थैंक यू.